हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों, आज का जो मैंने वर्क किया, मैं वर्क के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आज मैंने एक दोस्तों मेरा पुराना काम था और दीवार का जो काम था हमारा CPVC का, वो भी हो गया था, PVC का भी हो गया। दोस्तों, मार्बल लग रहा था और दोस्तों मैं उनमें से वर्क बताऊँगा। दोस्तों, मैंने डाइवर्टर की प्लेट कैसे लगाई थी ये बताऊँगा, और स्पाउट और हैंडल कैसे लगाया था, और दोस्तों जो हमारा हाफ पेडेस्टर बेसिन होता है बिना पेडेस्टर के, वो कैसे लगाया जाता है मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरा कोई भाई चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, और दोस्तों लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डाइवर्टर की प्लेट, ये देखिए दोस्तों जो हम लगा रहे हैं। दोस्तों, जो हमने डाइवर्टर लगाया है ये दोस्तों जैको कंपनी का डाइवर्टर लगाया था, और अब हम लगाएंगे दोस्तों स्पाउट। ये देखिए, ये दोस्तों इसके स्पाउट में दो एलकी लगी होती हैं, एलकी नट होते हैं जिनको दोस्तों एलकी लगती है, एलकी से खोलना पड़ता है, और जो हमारा डाइवर्टर का आउटपुट होता है उस पर लगाया जाता है। ये देखिए, रबर रिंग के जरिए से दोस्तों इसका पानी रुकता है, और एलकी को देखिए टाइट कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरे अच्छे तरीके से टाइट कर लें। ये देखिए दोस्तों, हमने स्पाउट लगा दिया है, अब हम दोस्तों लगाएंगे डाइवर्टर का हैंडल। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी एल की का ही नट होता है, और ये देखिए दोस्तों डाइवर्टर के हैंडल को अच्छे से टाइट कर लें। ये देखिए दोस्तों, हमने जो डाइवर्टर की ऊपर की एक्सेसरी फिट कर ली है, जो कि हमने उसकी प्लेट लगाई है और उसका हैंडल और स्पाउट लगाया। अब दोस्तों लगाएंगे हम बेसिन, जो कि हाफ पेडेस्टर है। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने CPVC लगा करके रेडी कर लिया है। ये देखिए अच्छे से दोस्तों हमने टाइट कर लिया, और ये देखिए दोस्तों, अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये बेसिन है इसे डाइवर्टर के बिल्कुल नीचे लगाना है। दोस्तों, हमारा जो फ्लोर है, फ्लोर से 33 इंच ऊंचाई पर निशान लगा लेना है। ये दोस्तों, ये 33 इंच हमारे जो बेसिन का ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर जो सिरा बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा होता है। और अब दोस्तों क्या करना है, बेसिन को इस निशान से नीचे नीचे लगाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने 33 इंच पे निशान लगाया था उसके नीचे नीचे हमने बेसिन को रखा है और लेवल सेट किया है, और जो दोस्तों हमारे बेसिन के सुराख से निशान लगा लिए हैं, मैं आपको शॉर्टली तरीके से दिखाता हूँ। हमने नीचे से निशान लगा लिए हैं जो हमारे बेसिन के नीचे। ये देखिए दोस्तों, हमने 33 इंच पे जो निशान लगाया था, और ये देखिए बिल्कुल नीचे हमारे बेसिन के निशान लग चुके हैं। ये देखिए, अब दोस्तों हम इस जगह पर ड्रिल से सुराख निकालेंगे जिससे हम फास्टर नट लगा सकें। दोस्तों, मैंने अपने शॉर्टली तरीके से वीडियो दिखा रहा हूँ, मैंने फास्टर नट लगा लिए, और अब हम दोस्तों इसमें बेसिन को सेट करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम बोतल ट्रिप को लगाएंगे,
ये देखिए दोस्तों, हमारा बोतल ट्रिप है और इसके आगे हमने पहले कैप लगा करके और रबड़ रिंग को लगा दिया है इस तरीके से, ये देखिए। और ये देखिए हमारा कंप्लीट बोतल ट्रिप है, इसे हम लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये रबड़ रिंग ज़रूर लगाएं, नहीं तो दोस्तों लीकेज ठीक नहीं होती है, और इसे अच्छे से टाइट कर दें। ये देखिए दोस्तों, कुछ अच्छे तरीके से टाइट करें जिससे कि लीकेज ना हो। और उसके बाद दोस्तों हम बेसिन को फास्टर नट में लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। मैं दोस्तों वीडियो को थोड़ा शॉर्टली तरीके से दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, 16-17 नंबर का जो पाना होता है हमारा, उसके साथ दोस्तों नट को अच्छे से टाइट कर दें, ये देखिए। पूरे अच्छे तरीके से टाइट करें, ज़्यादा टाइट भी ना करें दोस्तों, बेसिन टूटने का डर होता है। दोस्तों हमने नट टाइट कर लिए और हम लगाएंगे बोतल ट्रिप को। उसके बाद दोस्तों जो हमारा दीवार से पाइप है 1.25 का, उसमें भी बोतल ट्रिप को अच्छे से टाइट कर लें। दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, जिससे दोस्तों रबड़ रिंग लगाना ना भूलें, नहीं तो लीकेज बिल्कुल भी बंद नहीं होगी इसकी, और अच्छे तरीके से टाइट कर दें। ये देखिए दोस्तों, हमने बोतल ट्रिप रेडी कर दिया। ये लीजिए दोस्तों, हमने बोतल ट्रिप और हमारे जो हाफ एडजस्टर बेसिन को फिट कर दिया है, और जो हमारा डायवाटर है उसके ऊपर के जो स्पाउट और उसका हैंडल प्लेट भी लगा दी है, और दोस्तों बिल्कुल रेडी कर लिया है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे किसी भाई का प्लम्बर के काम का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा।